चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया जिससे कमोडिटी मार्केट्स को सपोर्ट मिल रहा है। सीएलएस का ये समझना है कि बाजार एक ड्यूटी कट एक्सपेक्ट कर रहा है स्टील के लिए, और इसीलिए अगर हम देखें तो इंडियन स्टील स्टॉक्स 16 से 25% के बीच यहाँ तेज हो गए हैं। तो पिछले दिनों जो मार्केट की रैली हुई वहां स्टील स्टॉक जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सीएलएसए का मानना यह है क्योंकि चाइना स्टिमुलस अनाउंस कर रही है और स्टील के दाम फर्म अप हो गए हैं चाइना में, बहुत ही अनलाइकली चांस है कि यहां से आपको ड्यूटी कट सरकार करती हुई दिखाई दे। इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है वहां कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दाम जो है काफी बढ़े हुए हैं बाजार में। इसके अलावा जो सेक्टर है उसको कॉशियसली अप्रोच करना चाहिए, ऐसे सीएलएसए का मानना है। इनफैक्ट इनका जो अंडर परफॉर्मर रेटिंग है वो बरकरार है टाटा स्टील पे, इनकी बिकवाली की सलाह है जेएसडब्ल्यू पे, एक ही स्टॉक उनको वैल्यूएशन के लिहाज से पसंद आ रहा है वो है जेएसपीएल। तो जेएसपीएल छोड़ के उनको लगता है कि स्टील स्टॉक्स में कोई वैल्यू नहीं और यहां से शायद वो आपको अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे, और कोई प्रकार की ड्यूटी कट उनको लगता नहीं हो सकती है करंट इकोनॉमिक एनवायरमेंट में।